नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी फैल रहा है। चेन जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। आज तारीख है 1 मई और पिछले 24 घंटे का अपडेट सामने निकल के आया है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 13,779 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कुल संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं वो 108,202 तक पहुँच चुके हैं। हालांकि अगर हम आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 11,000 से अधिक संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार की जो रिकवरी दर है वो 77% से अधिक है। हालांकि फिलहाल अभी हमें ध्यान देना होगा, थोड़ा सचेत होना होगा, इसलिए सड़कों पर आप देखते होंगे लिखा रहता है पोस्टर्स में, मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग। अगर हम मिलकर साथ दें, सरकार तो खैर काम कर रही है। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि कई जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं, लेकिन फिलहाल इस आपदा की घड़ी में सभी अगर मिलकर साथ दें, हम सतर्क रहें, मास्क लगाएं और साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तो इस कोरोना के जंग से हम जीत हासिल कर सकते हैं। हम अगर इस खबर को देखें तो कहीं ना कहीं संक्रमण की जो रफ्तार है थोड़ी कम हुई है, लेकिन राजधानी पटना में ये आंकड़ा बढ़ा है। अब चार्ट देखिए, चार्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा 3,024 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर हम गया की बात करें तो गया में भी 969 नए मरीज पाए गए हैं। हम अगर अन्य ज़िलों की बात करें, देखिए हम अगर औरंगाबाद की बात करते हैं तो औरंगाबाद में 508 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं 611 संक्रमित मरीज पाए गए हैं बेगूसराय में। अगर हम मुजफ्फरपुर ज़िले की बात करें, काफ़ी बड़ा ज़िला है मुजफ्फरपुर, तो 534 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर हम सारण की बात करते हैं तो सारण में 412 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 537 संक्रमित मरीज पाए गए हैं पश्चिमी चंपारण में। तो कुल 13,779 मरीज जो हैं पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं, जिसने कुल बिहार में संक्रमित मरीजों के आंकड़े को 108,202 तक पहुंचा दिया है। अब ऐसे में आप समझिए, पिछले 24 घंटे में 11,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं, 13,000 संक्रमित पाए जा रहे हैं। ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या कोई कम नहीं है, 11,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। लेकिन हाँ, ये जो चेन चल पड़ी है, आप देख रहे होंगे कल तो ये आंकड़ा 15,000 के पार पहुँच गया था, 15,800 से अधिक था ये संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। लेकिन अब कुछ आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है, अन्य ज़िलों से खबरें जो निकल के आई हैं वहाँ थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फिलहाल अभी हमें सचेत रहना है, सतर्क रहना है। आने वाले समय में कोरोना की जो दूसरी लहर चल पड़ी है, इस लहर से बचना है। आप समझ सकते हैं कई मशहूर लोग इस कोरोना के काल में समा जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन सिवान के पूर्व सांसद, जिनका निधन हो गया। इससे पहले रोहित सरदाना, जो कि आज तक के न्यूज़ एंकर थे, मशहूर न्यूज़ एंकर थे, वो भी इस कोरोना के काल में समा गए। तो ऐसे में अब हमें थोड़ा सचेत होकर चलना होगा। आप लाइव स्ट्रीम कर बना रहे हैं, हम हर रोज़ आपको डेटा देते हैं क्या आंकड़ा कितना बढ़ा है, कहां पर कितना कम हुआ है। राजधानी पटना में फिलहाल ये आंकड़ा बढ़ा है और ऐसे में राजधानी पटना के जो वासी हैं वो फिलहाल थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। अब जागरूक होने का ज़रूरत है, जागरूक हम हों तभी हम इस कोरोना के जंग से जीतेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।